हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? और नए व्लॉग में मैं रेनू वेलकम कर रही हूँ आप सबका आपके अपने चैनल व्लॉग्स विद रेनू पर। तो यहाँ पर है सुबह सुबह का टाइम, सुबह के 9:30 या 10 बजे होंगे। और यहाँ पे मैंने नहाया है और कपड़े धुले हैं। कपड़े बस अपने ही धुले हैं, बाकी जो सबके कपड़े हैं वो कल मॉर्निंग में जब नहाऊंगी तब धोऊंगी, क्योंकि ना इसके कारण काफ़ी लेट हो जाता है। बाकी सब नहाते हैं, उस चक्कर में फिर कपड़े रह ही जाते हैं। मतलब यूँ होता है, कपड़े धोने के लिए अलग से फिर आधे घंटे 1 घंटे बैठना पड़ेगा। लेकिन मेरा क्या है, जब मैं हाथ से धोती हूँ तो मैं जब बाथरूम में नहाने के टाइम पे जाती हूँ ना, उसी टाइम में धो करके बाहर निकल जाती हूँ। मतलब बाद में दोबारा से जाने का मन नहीं करता, तो इसलिए मैंने मेरे मेरे धो लिए हैं, बच्चों के और उसके बच्चों के पापा के बाद में निकलेंगे जब धोऊंगी। तो यहाँ पर बस थोड़े से कपड़े थे, धुल गए और दोबारा से जैकेट पहनना शुरू कर दिया, क्योंकि ठंडी आ गई ना फिर से। एक बार 2-4 दिन के लिए फिर से ठंड हुई है। और अब मैं आप लोगों को वेलकम कर रही हूँ फ्रंट कैमरा में, फेस कैमरे में, और नमस्कार किया है। अब मेरे को करने हैं गेहूँ साफ। और नहा धो के क्यों कर रही हूँ ये भी बता देती हूँ आप लोगों को। सुबह बाथरूम खाली था, बाद में हमारी फैमिली बड़ी है तो बाथरूम में कोई ना कोई होता ही है, कभी कोई घुस जाता है, कभी कोई घुस जाता है। इस चक्कर में ना मुझे ये रहता है जल्दी से बस नहा करके ये काम तो फिनिश किया जाए, नहीं तो फिर बाद में वही झंझट है, कोई ना कोई होएगा और फिर लेट पे लेट, लेट पे लेट, और लेट ही होती जाएगी। तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा कि पहले अपन नहाएंगे। और ब्रेकफास्ट मैंने बना दिया था, खाना बचा हुआ है, बस आटा लगा के रखा है, रोटियां सेकूंगी जब खाएंगे, जब पहले ये गेहूं साफ करने का काम जो है ना ये कर ले। तो वैसे आटा तो अभी 2-4 दिन का है, लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा पहले हो जाएगा तो बाद में भागम भाग नहीं मचेगी। और यहाँ एक ये वाली टंकी में बचे हैं, दूसरी वाली टंकी की हमने अभी सेल कर दी, काफ़ी बचे हुए थे तो इन्होंने अभी ही सेल किया है। और मैं अब ये करने वाली हूँ यहाँ से साफ। और हमारे क्या है कि गेहूं जो होते हैं ना, वो पूरी साल भर के इन टंकियों में, 3 टंकी हैं ऐसी, उनमें स्टोर करके रख लिए जाते हैं। और ये है ना, घर का खर्चा तो इनसे निकलता ही है, मतलब खाने का। उसके अलावा जैसे हमारे जानवर होते हैं ना, भैंस गाय, उनको भी आटा मिलाया जाता है ना, बहुत ज़्यादा आटा लगता है हमारे इधर, क्योंकि जितना हम लोग नहीं खाते उससे ज़्यादा तो पशुओं को डाला जाता है। पशु जैसे उसमें चारे में मिला करके और फिर उनको डालते हैं ना, तो वो खाते हैं। तो गेहूँ बहुत ज़्यादा लगते हैं। 3 टंकियाँ हैं, एक उधर बड़े वाले भैया के घर पे है, उनका तो अलग है, यहाँ घर में 2 हैं। तो तीनों टंकियाँ हैं ना ये भर ली जाती है जैसे फसल निकलती है ना। और बाकी सेल भी कर देते हैं, क्योंकि ना फिर यही तो इनकम सोर्स भी है, इनकम इसी से तो घर, मतलब दोनों तरीके से घर खर्च इसी से चलता है कि इनकम सोर्स भी है और साथ साथ घर में घर का भी खाना निकल जाता है इसमें, गेहूं में। तो अभी बस फसल तैयार है, कटेगी। लेकिन अब की बार पता है क्या हो रहा है, अब की बार हवा इतनी तेज़ से चल रही है, बस एक टाइप से ना एक किसान होता है ना उसको टेंशन हो जाती है इस चीज़ की, जब हवा तेज़ चल रही है तो इसका मतलब अब की बार गेहूं की फसल, अगर ये हवा बंद नहीं हुई ना तो हल्की पड़ेगी गेहूं में से। गेहूं क्या, ज़्यादातर फसल में ही ऐसा होता है कि हवा मार देती है, फसल का दाना जो होता है ना वो मजबूत नहीं पड़ता, और जितना पानी देते हैं ना उतना जल्दी सूख जाती है। अब गेहूं हमारे सूखने शुरू हो गए, कम से कम 20 से 25 दिन उनको और हरा रहना चाहिए था ताकि दाना मजबूत हो जाए। लेकिन बस ये है ना, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अगली किसी वीडियो में कि गेहूं पीले पड़ने शुरू हो गए। लाइन जो चलती है ना, एक साइड चलती है फिर वो दूसरी साइड तक पहुंचती है ना, लास्ट किनारे तक, जब तक पहले वाली जो साइड थी ना वो सूख जाती है, येलो पड़ जाती है, क्योंकि हवा चल रही है, पानी लगता है, वो हवा सोख लेती है जबकि जब। और ठंड भी बहुत जल्दी चली गई, ठंड जो होती है ना वो गेहूं के लिए बहुत अच्छी होती है, अच्छे से पककर तैयार होता है। तो यहाँ पर मैंने इधर से क्लीन कर दिया और हमारी जो प्रॉब्लम थी वो भी समझा दिए कि क्या प्रॉब्लम हो रही है फिलहाल हमें। और यहाँ पर मैं जो है छत पे आ गई और मैं आप लोगों को वो पापड़ दिखा रही हूँ जो हमने अभी बनाए थे ना 2 दिन पहले, वो फ्राई किया था मैंने। तो राखी खा रही थी मेहंदी लगाते लगाते, उसने यहाँ पे चारपाई पे रखा हुआ है। और मेहंदी किस लिए लगाई जा रही है वो भी मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि कल है शिवरात्रि, मतलब जिस दिन आपके पास ये व्लॉग आएगा उस दिन शिवरात्रि होगी। तो आप सबको महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पर मेहंदी बस हमारे घर में मेरे को छोड़ करके सबने लगाई है, मैंने नहीं लगाई, मेरा थोड़ा सा ना शेड्यूल ऐसा ही था, मुझे लग रहा था कि लगाऊंगी लगाऊंगी, ऐसे करते करते नहीं लगा पाई। अब लगाऊंगी मैं, जिस दिन ये व्रत रखूंगी उसी दिन दिन में काम कम होएगा तो मैं लगा लूंगी दिन में।
तो बस बच्चे लगा रहे हैं और काफ़ी खूबसूरत लग रही थी राखी की मेहंदी, क्योंकि उसके गोरे गोरे हाथ है ना। मैं फाइनल लुक दिखाऊंगी आप लोगों को बाद में, आप देखना कितनी खूबसूरत लग रही थी। वैसे अपने जो है ना बच्चियां जो है ना, इनको ज़्यादातर को मेहंदी लगानी आती है, आती तो मुझे भी है लेकिन मैं आप नहीं लगाती, क्योंकि जो बंदा मेहंदी लगाता है ना उसके पीछे पड़ जाते हैं बस, कोई भी प्रोग्राम हो मेहंदी लगाओ मेरे लगाओ मेरे लगाओ ये सोच करके। अब मैंने लगानी ही बंद कर दी, मैं कहती हूँ मेरे को आती ही नहीं है, क्योंकि ना परेशान हो जाते हैं यार बैठे बैठे, और अब बैठा नहीं जाता इतनी देर, क्योंकि पहले बैठ लेते थे अब तो कमर में दर्द होने हो लगता है। टाइम हो 5:45, 5:45, 6:15 तक मैं छत पे बैठी रही, और अब इसकी मेहंदी भी कंप्लीट हो चुकी है। फाइनल लुक दिखा देती हूँ आप लोगों को, फिर चलते हैं नीचे। ये है मेहंदी का फाइनल लुक, और मैं देख याद मत करो हाथ क्यों तेरा हाथ नहीं, इतना भी कम क्यों नहीं कित की दावनी हो या फिर दादी ना अंगन कर ले या मैं डोला करे। ए एक बार पीछे दिखा, पाछा गन कर लिए, रुक एक मिनट मधु एक कर ले केला ने। हाँ ये भी दिखा, मर उंडा स्कूम पड़ ये है, उंडा स्कूम पड़ के मर ले, ये पीछे की है आगे कर, ये आगे की है और बंडा पानी हूँ मैं। हाँ नीचे यो देखो यो, ये अपने मटकान लेके छात पर बैठे हुए कितनी देर होगी। मतलब यहाँ हो चुका है नाइट का टाइम, और मैं जो कपड़े मैंने धुले थे उनको मैंने फोल्ड नहीं किया है, क्योंकि आज कपड़े कम थे, तीन ही थे ना मेरे, ही ब्लाउज और ये दो तीन जो हैं कपड़े यही थे, तो मैंने फोल्ड नहीं किए दिन में, अभी फोल्ड कर रही हूँ। अभी मुझे चेंज भी करना है, सूट सलवार पहनना है, और साड़ी की दशा देखो कैसी हो चुकी है, क्योंकि मैं लेट गई थी और जब लेट करके उठी ना जब ये पूरी बिगड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो अब क्या करेंगे अपन, सूट पहन लेंगे और इनको फोल्ड करके रख देंगे। और ये जो इस टाइप के जो काम होते हैं ना, इनको जितना हो सके ना जैसे कपड़े वगैरह फोल्ड करने का, इनको हाथों हाथ कर लिया जाए तो हो जाए, नहीं तो बाद में फिर आलस आ ही जाता है। मेरे क्या होता है, यहाँ से मैंने सोफ़ा रखा था पहले यहाँ पे, अब ये चेयर तो मैं अभी लेके आई हूँ, वापस चली जाएगी बाहर, तो उस सोफ़े के ऊपर क्या होता था बार 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 इतने कपड़ों का ढेर लग जाता था, ये सोच करके कि थोड़ी देर में करूँगी थोड़ी देर में करूँगी, और वो थोड़ी देर कभी होती नहीं थी। और साड़ी देखो कितनी ऊंची हो रखी है, ये सिर्फ इस जैकेट के कारण हुई है, क्योंकि मैं लेट गई थी, लेटने से ये जैकेट है ना, ये इसका जो इलास्टिक है ना ये ऊपर ऐसे खींच खींच के कैसे हो गया। तो अब बस आराम से सूट सलवार चेंज करके और फिर रात का खाना बनेगा। वैसे मेरे काफ़ी दिन हो गए मैं साड़ी पहन के रखती हूँ 24 घंटे, मतलब सूट सलवार मैं रात को चेंज नहीं करती थी, लेकिन अब आके ऐसा होने लग गया, थोड़ी सी गर्मी सी लगती है, ऐसे लगता है कि नहीं सूट सलवार पहन के सुबह काम अच्छे से भी होएगा, तो मैं चेंज कर लेती हूँ। तो अब निकाल लेते हैं अपना, और ये वाला जो ये जो सलवार और कुर्ता जो मैं मम्मी के यहाँ से लेके आई थी ना, अभी निकालूंगी, ये देखना ये मेरा फेवरेट बन गया, मैं ज़्यादातर इसी को पहनती हूँ जब भी हरियाणवी आ गई, जब भी यूँ होता है ना कि हाँ सूट चेंज करना है, तो ये वाला निकाल के और ये पहन लेती हूँ। देखो आपने पहले भी देखा होगा। लो जी रात के बज गए 9:30 और मैंने अपनी ड्रेस भी चेंज कर ली है, जैकेट एक बार उल्टी वेयर कर रखी है क्योंकि थोड़ी देर में निकालनी है, एक बार बाहर जाना है बस। तो मैंने सोचा आज का व्लॉग जो है ना वो मैं फेस कैमरे में एंड करूं, है ना शिवांश? शिवांश देखो इधर, ये देखो आप लोगों के आज बहुत सारे कमेंट आए शिवांश को दही खाता देख करके, कि आज शिवांश तो पूरे कृष्णा जी लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे छोटे कृष्णा खाना खा रहे थे, तो ये ऐसे खाता है। और इसके काम देखो, इसने पजामा पहना देखो कितना छोटा, ठीक है अभी खुद से पहना है इसने, इतना ऊंचा ऊंचा है, लेकिन इसको पसंद है, बस क्या कर सकते हैं, अभी अपनी पसंद से कुछ भी पहन सकता है।
तो चलिए फिर इस वीडियो का एंड करते हैं, है ना शिवान? क्या करते हैं, वीडियो का एंड करते हैं और मैं और शिवान आपको बाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाय। और कुछ बोलना है आज? मैं शिवान के सामने कैमरा करती हूँ, शिवान क्या बोलना है बता। क्यों अच्छी? खाना खा लिया आपने? क्या खाया था? अच्छे से खड़े हो हैं? आज इसने दूध में चूर के रोटी खाई थी। ठीक है, तो चलिए फिर बाय है, अपना ध्यान रखना, हम बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ में मिलते हैं।